सैंड ड्यून्स पे भी नज़र मार लो लास्ट बार, ये देखो। तो गाइस यार ये देखो, स्कैम हो गया हमारे साथ, रास्ता ही बंद है। देखो यार कितना खतरनाक रास्ता है। तो यार जैसा मैं आपको सुबह बता ही रहा था इनकी इसकी प्रॉब्लम के बारे में, तो यार देखो यार दूसरी बार पंचर हो गया। आज है हमारा 8वां दिन और आज का जो हमारा प्लान है वो है पैंगोंग लेक जाने का। यहाँ से कुछ 250 या 280 किलोमीटर दूर है और बिना टाइम वेस्ट करे यार निकलते हैं, क्योंकि कोशिश करेंगे कि डे लाइट में ही पहुँच पाएँ, क्योंकि हमने जितना भी ट्रैवल करा है हम रात को ही पहुँचे हैं। तो अभी जो हमने जो शेड्यूल 2-3 दिन का हमारा शेड्यूल है वो अच्छा गया है, तो हम दिन में पहुँच पा रहे हैं अपनी लोकेशन पर, तो हम चाहेंगे कि उसे ही कंटिन्यू करें। तो यार चलते हैं, अब रेडी होते हैं फटाफट से, अब ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं हम आगे के सफ़र के लिए। आ गए हम अपना ब्रेकफास्ट करने, तो ब्रेकफास्ट में है चाय और पराठे, और ये देखो यार यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करेंगे। कैसी है भाई चाय? केक भी खाएगा सुबह सुबह केक। चलो भाई पहले अपनी चाय उठा लेते हैं यहाँ पे और हम भी चेक करते हैं कैसी है चाय। एक चीज़ तो बताना भूल ही गया, पोहे भी हैं हमारे नाश्ते में, और ये भाई ये सब हेल्दी चीज़ें खाता ही नहीं है, बिस्किट विस्किट ही खाता है भाई, कुलचे खा रहा है और बिस्किट खा रहा है चाय के साथ। पर कोई नहीं यार, वो इसकी चॉइस है, हम तो यार पोहे खाएंगे। तो यार अब हम लोग ने सामान वगैरह तो बांध दिया अपनी बाइकों पे, और बाकी लास्ट बार एक बार नज़र मार लो, ऐसा कुछ कैम्प था हमारा और ये था हमारे नज़ारे, है ना बढ़िया यार। पर मेरी हवा टायर में हवा कम हो गई, तो इसको पेट्रोल पम्प में हवा भरवाएंगे फिर हम आगे निकल जाएंगे। बाकी एक बार और नज़र मारो यार, है ना बढ़िया। तो चलो यार चलते हैं, है ना यहाँ से। और ये देखो ये तो छोटे छोटे बच्चे, हेलो करो हेलो, अभी करते ही नहीं हेलो। हाँ तो चलो यार चलते हैं, निकलते हैं हम यहाँ से, क्योंकि मेरे को अपना टायर दिखाना है, इसमें से ना हवा कम हुए जा रही है, तो मेरे को डर है यार कि पंचर वंचर का ही सीन हो सकता है। तो अब मैं पूरा अपना टायर खुलवाऊँगा और ढंग से चेक करवाऊँगा, क्योंकि आगे यार लंबा सफ़र है और रास्ते में फंसना नहीं है ना, तो पहले चेक करा लेते हैं। सैंड ड्यून्स पे भी नज़र मार लो लास्ट बार, ये देखो। तो गाइस अब हम निकल गए हैं पैंगोंग लेक के लिए, तो एक जो दूसरा रास्ता है वो बंद है, कुछ प्रॉब्लम होगी वहाँ पे। तो ये वाला जो रास्ता है ये कुछ 6 किलोमीटर फालतू है, तो हम इससे जा रहे हैं। ये देखो यार कितना बढ़िया ब्रिज है। आज तो शुरू में ही ऐसा लग रहा है कि भाई ऑफ रोडिंग वाला पैच मिलने वाला है। बाय बाय कर देते हैं लोकड़ा वैली को, तो हम थोड़ी हाइट पे कुछ चढ़ रहे हैं, ये देख लो यार ऊपर से। पहले हम उस डायरेक्शन में थे राइट हैंड साइड, अब हम लेफ्ट हैंड साइड वाली डायरेक्शन की ओर चल रहे हैं। तो यार देखो यार ये ऑफ रोडिंग पैच स्टार्ट हो गया है, अब पता नहीं कब तक होगा, यानी चढ़ाई तो है नहीं, रास्ता तो प्लेन ही है। ये सारी सैंड ड्यून्स की जो रेत है ना वो रोडों पे आ रही है, ये देखो। तो हमें इसमें आराम से बिना ब्रेक लगाए निकालना पड़ता है, ये देखो कितनी सारी रेत आ गई, ये वहाँ से उड़ उड़ के आ गई होगी रोडों पर। ब्रे भाई टायर फिसल रहे हैं, देख लो सारा ऑफ रोड है ये रास्ता। तो ये जो नूबरा वैली से पैंगोंग तक का रास्ता है ना शायद ऐसे ही मिलने वाला है। तो यार स्टार्टिंग में तो इतना ज़्यादा कुछ टफ था नहीं, अब देखो दूर दूर तक सिर्फ ऐसी रास्ता, और पीछे का जो था सारा है ना ऐसा चढ़ाई सी भी थी, मतलब हाथ हाथ में भी दर्द हो गए हैं। अब थोड़ा प्लेन रास्ता फिर से आ गया, तो यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स करने का मौका मिल जाता है।
तो गाइस यार ये देखो स्कैम हो गया हमारे साथ, रास्ता ही बंद है। वे यार खिंचवा खिंचवा खींच, बस वहाँ से जाना पड़ेगा। तो यार देखो हम सीधा सीधा जा रहे हैं, यहाँ से रास्ता बंद है तो वहाँ से जाना पड़ेगा हमने। भाई यही जा रहा है पेंगोंग लेक के लिए, तो पेंगोंग के लिए ऊपर है नीचे से ही है ना। तो गाइस अब देखो यार कितना खतरनाक रास्ता है। ओ भाई आराम आराम से लूंगा मैं, इधर खड़ा रहे बस खड़ा रहे, लेफ्ट साइड खड़ा हो जा मेरे एक बार, लेफ्ट साइड खड़ा हो जा एक बार, लेफ्ट हट जा, चल हट जा निकाल लूँ, हट जा निकाल लूँगा तू, हट जा अब। ओ भाई साहब कर दिया यार हमने, थोड़ा ऑफ रोडिंग का है ना तो खड़ा खराब सा ट्रेन आया था। ये देखो वहां से पूरा डाउन हिल था और बहुत मोटे मोटे पत्थर थे, और यहाँ से थोड़ा देखो वाटर क्रॉसिंग है। तो हम लोग अभी जो पहुंचे हैं, इस रिवर का नाम है श्योक रिवर। देखो काफी सारे लोग हैं यहाँ पर और हम लोग भी थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यार ऊपर से आया ना तो हाथ यार बहुत दर्द कर रहे हैं। यहाँ से ऐसे रास्ता है सारा 60 फीट तक ऐसे रास्ता है, थोड़ा ट्रैक थोड़ा वैसा ऑफ रोड, उसके बाद दुर्बक, दुर्बक से 30 किलोमीटर हाईवे। अच्छा बाकी ये देखो यार बिल्कुल ईजी भी नहीं है निकालना, हाँ कॉन्फिडेंस होना चाहिए बंदा निकाल लेगा। भाई धक्का लगवा दो, की बाइक अट गई थी वहाँ पे तो देखो निकालने के चक्कर में पूरा गीला हो गया, पर कोई नहीं यार एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए। तो यार अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, थोड़ी देर बैठ के हमने रेस्ट कर लिया यहाँ पे, थोड़ा सा सुकून मिल रहा था, तो अब चलते हैं अपनी बाइक की ओर और चलते हैं आगे। अब हम यहाँ से अब कंटिन्यू करते हैं अपनी ऑफ रोडिंग की जर्नी, और आ गई है वाटर क्रॉसिंग। तो यार जैसा मैं आपको सुबह बता ही रहा था इनकी इसकी प्रॉब्लम के बारे में, तो यार देखो यार दूसरी बार पंचर हो गया ये देखो। अब ऐसी रोड पे बताओ यार क्या करें, बहुत परेशान है यार। अब भाई क्या करेंगे, पंचर तो लगा नहीं सकते यार यहाँ पे, हवा भर के थोड़ा आगे चलते रहेंगे, तुम्हें बिठाना पड़ेगा इसे। बैठ जाएंगे हवा भरने से पहले। अबे यार धूप देख रहे हो कितनी तेज हो रही है, वही वाला सीन हो गया पहले वाला। यार ये भैया मिल गए थे हमें, तो ये केरला से हैं भैया, आपका नाम क्या है? थॉमस। थॉमस भाई, तो थॉमस भाई ने हमारी भाई पूरी हेल्प करी टायर लगाने में, थैंक यू वेरी मच भाई, वेलकम। ओके ब्रो फिर मिलेंगे भाई, ओके भाई। और ये इनके साथ में पार्टनर है भाई, ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी ब्रो, थैंक यू वेरी मच। बाकी हवा भर रहे हैं यार, आपकी बार इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, बोले क्या बोले घूम के लाया और जो सामान लेके आया ढूंढ जा रहे हैं तुम्हारा खाना, ये सब सिर्फ मेरी वजह से, बंदा यहाँ से हिल भी नहीं रहा था, मैंने कहा जाओ हाँ ठीक है। भाई फाइनली हमने टायर लगा दिया और कर ही क्या रहे हैं स्ट्रिप में, खोलना लगाना लगता है भाई मैकेनिक का काम हम यही सीख लेंगे हम, भाई सफर नहीं सफर कर रहे हैं। अरे यार प्लीज यार प्लीज ट्रिप निकलवा दो यार, क्यों मेहनत करवा रही हो।
चलो यार हो गया, अब आगे चलते हैं क्योंकि यार बहुत लेट हो गए हैं, रात तक ही पहुंचेंगे। अब भगवान से यही दुआ है भाई, अब कुछ ना हो यार, थक गए यार भाई। यार घूम रहा है टायर और कुछ दिक्कत ना हो, फिसल सा रहा है। यहाँ पे इस कैफे में रुके हैं चाय वाय पीने, क्योंकि मैंने अभी हवा पूरी भरी नहीं थी, तो वहाँ पे हवा भर रही है, तो इस कैफे में हम थोड़ा चाय वाय पी लेते हैं। ये देखो ये ऊपर से कहीं से लेक आ रही है, ये वही वाली लेक है जहाँ पे हम रुके हुए थे। वो कह रहा पत्थर आ जाएंगे ऊपर से। जल्दी बैठो, जल्दी बैठ भाई, यहाँ से निकलना पड़ेगा, यहाँ पे पत्थर आ जाएंगे। आगे ये लोग भाई सब थोड़ा सही रास्ता आया, तो को मिलेगा रिलैक्स। ऐसी रोड पे ऐसी लोकेशन पे चलाने के मजे हैं। मैं गीला भी हो चुका हूँ, हम यहाँ पे रुक रहे हैं। और एक चीज़ और भाई, अभी तक तो टाइम में साथ दे दिया, पर कुछ ना कुछ आवाज़ आ जा रही है, तो यहाँ पे गणपति बापा की मूर्ति है, मत्था टेक लेते हैं यार। हे गणपति बापा, हमारा सफर सही चल रहा है। देखो यार, देखो हाइट पे आ गई है, ठंड भी हो रही है। ये देखो हल्का हल्का वहाँ पे देखो बर्फ भी है, ये देखो देखो हल्की सी स्नोफॉल वहाँ भी हो रखी है। यार देखते हैं क्या करना, नाश्ता करना है तो फटाफट से करते हैं, ये करना तो निकलते हैं, है ना, टाइम वेस्ट करने को कोई मतलब नहीं। चलो गाइस, एक तो राहत मिली हमें, ये भैया बता रहे हैं कि अब जो रोड है वो बहुत ही अच्छा होगा और 60 कुछ किलोमीटर है, तो हम इजीली कवर कर लेंगे। तो पहली भड़क तो थी यार दिमाग में से, है ना। और यार ये वाली ट्रिप मेरी ऐसा होने वाली है, ऐसा कभी नहीं स्ट्रगल करा हमने, इतने अच्छे अच्छे नज़ारे देखे भाई, क्या बताएं। और ये देखो यार क्या नज़ारे हैं यार, है ना यार। हम लोगों ने नाश्ता कर लिया, अब यहाँ से निकलते हैं, बहुत तेज़ हवा चलने लगी है। वेलकम टू दुर्बुक। दिखाया ले है 109 किलोमीटर पैंगोंग 40,
जो कि है लेफ्ट में चांगला शक्ति खारू 74 गायेश स्कार्मा। अच्छा तो गाइस आज हमारा डेस्टिनेशन कंप्लीट हो गया है, आज हम पहुंच गया है अपना लोकेशन पर। ओह थैंक गॉड हाँ पहुंच गए यार, जय श्री राम। तो यार अब मैं थोड़ा सा सामान लेके जा रहा हूँ अपने रूम में, तो आपको रूम दिखाता हूँ यार, थोड़ा सामान है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा तो यार मैनेज कर लेना, बाकी मैं ठीक कर लूँगा। चलो यार बाइक की चाबी रहेगी यार, बाइक की चाबी निकाल लेता हूँ, तो लॉक लग जाए यार, लग गया। हाँ यार पैर वैर पूरे ना भीगे हुए हैं, चलो अंदर चलते। तो ऐसी है एंट्रेंस, ये है यहाँ पे रेस्टोरेंट आगे है ना। अच्छा और वो रूम कहाँ है, रूम कहाँ है, तो रूम देखते हैं। रूमड़ा रूमड़े रूमलिंगला, सो दिस इज अवर रूम। और ये आज फाइनली धरती पे नहीं सोएगा, इसको हम इधर लिटाएगा, बॉयकॉट करेगा। तो अब हमने खाना वाना तो खा लिया, तो उसको क्या दिखाऊं यार, खाना खाना क्या दिखाना है ना, वही खाना वही सब कुछ, जो मेन मेन चीज है वही देखो। अब मैं अपना सेटअप बना रहा हूँ सोने का, कि मेरे को आज बहुत बढ़िया नींद आने वाली है, थकान तो हो ही जाती है ट्रैवल करके, जो आप डेली अराउंड 8-10 घंटे, और जिसमें थोड़ा हार्ड वर्क और डाल दो, पंचर टायर खोलने का, तो हो जाती है यार थकान ना। चलो यार इस ब्लॉग को ही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ यार जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया प्लीज़ कर देना, और बने रहो यार और वीडियो देखते रहो, आप लोग प्यार दिखाओगे तो यार और अच्छा अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करूँगा। तो बस इतना ही कहना था, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।